चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन पर भक्तगण मां की भक्ति में डूबे दिखे। शहर की श्रवण देवी मंदिर, काली माता मंदिर, श्री राम जानकी मंदिर, दुर्गा देवी मंदिर, मंगलीपुरवा के श्री राम जानकी हनुमत धाम मंदिर सहित सभी मंदिरों पर भक्तों व श्रद्धालुओं की भारी भीड़ दिखी। श्रद्धालुओं ने मां भगवती की आराधना, पूजन, अर्चन तथा वंदना की, साथ ही सभी के कल्याण की मंगल कामना की। घरों में भी सुबह से ही आरती, पूजन, बंधन स्वर देवी गीत से माहौल भक्तिमय बना। श्री राम जानकी हनुमत धाम मंदिर पर श्री डाल सिंह मेमोरियल स्कूल की शिक्षिकाओं ने देवी गीत गाए तथा जगत कल्याण के लिए माता रानी की आरती उतारी। यहां कलश स्थापना मुख्य यजमान मुकुल सिंह आशा ने सपत्निक व अपने पुत्र राघव के साथ की। वही पाली नगर के सुविख्यात माता पंथवारी देवी मंदिर पर बुधवार को भक्तों का तांता लगा रहा। सुबह से भक्तों में मां के दर्शनों की होड़ लगी थी। भक्त माता रानी को तरह तरह से भोग लगाकर प्रसन्न कर रहे थे। मंदिर प्रांगण माता के जयकारों से गूंज उठा। नवरात्रि के अवसर पर मंदिर प्रांगण में देवी भागवत कथा का आयोजन मंदिर कमेटी के द्वारा किया गया है, जिसमें कथावाचक आचार्य पंकज मिश्रा ने भागवत कथा के महत्व को बताया। उन्होंने बताया कि भागवत कथा के सुनने से मनुष्य के समस्त पापों का नाश होता है और मनुष्य का उद्धार होता है। अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। करते रहे ओम मेघने स्वरा।